एक विकेट, एक विकेट की कीमत तुम क्या जानो? न्यूजीलैंड वालों, मैच जीत जाते। हाँ, तो हम 5 दिन इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि ताकि बहुत सारे मीम्स बन के आए और हम मीम रिव्यू करें। मजा आएगा। हफ्ते में 4 बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? रहाणे की बैटिंग परफॉर्मेंस देख के राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो यही सीन हुआ होगा। इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चालू हुआ और सब लोग बोर हो रहे थे, फिर दूसरे दिन मीम मटेरियल आया। गुटका बॉय भाई, मतलब पूरे नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे मीम बन गए थे। और जैसे ही ये गुटका बॉय स्क्रीन पे आया तब सारे उसे यही बोल रहे थे, गुटका थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। द वे शी लुक्स एट हिम, ओ मा गु। और ये गुटका बॉय जब फोन पे बात कर रहा था तो सामने वाला यही बोल रहा था गुटका बॉय को, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। बट भाई जो कुछ भी हो कैमरामैन को जिंदा पकड़ना है, मतलब लड़कियों को दिखाएगा कुछ इस अंदाज में और वहीं लड़कों को कुछ इस अंदाज में दिखाएगा, ये भेदभाव क्यों? और जब गुटका बॉय के मीम बनने लगे तो गुटका बॉय भी उस मीम को देख के यही बोल रहा होगा, इतना नाम भी नहीं करना था। आर्ट आर्टिस्ट, डोंट फ्लर्ट विद हिम, आई एम नॉट गोइंग टू। हमारे साथ वही कानपुर के गुटकाबाज शोभित पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। शोभित, आप गुटका खा करके अंदर बैठे हुए थे, क्या हो क्या रहा था, क्या चल रहा था? कुछ नहीं भैया, एक्चुअली बात यह है कि मैं उस समय गुटका मैं खाया ही नहीं था, मैं मेरे मुंह में उस समय थी मीठी सुपाड़ी। और उसी बीच कानपुरी ये लोग तो मतलब गजब। इंडिया न्यूजीलैंड की मैच चल रही थी और रिद्धिमान शाह को एकदम से इंजर्ड बता दिया गया। मैं इंजर्ड नहीं हूँ द्रविड़ भाई, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। रहाणे और पुजारा मतलब क्या ही रन बना रहे थे, वो लोग 10 मिनट भी पिच पे टिक जाते होंगे तो यही बोलते होंगे, अच्छा तो हम चलते हैं। पुजारा और रहाणे जो हार्डली 10 मिनट भी पिच पे टिक पा रहे थे उसे देख के इंडियन फैंस उन्हें यही बोल रहे थे, कुछ समय तो गुजारो पिच पे। इंडिया टीम को जब भी अक्षर पटेल की जरूरत पड़ती थी विकेट के लिए तो अक्षर पटेल भी यही बोलते थे, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा। भाई मतलब अंपायर कुछ नशे वशे करके आया था क्या? जहां अश्विन की बॉलिंग पे विकेट थी उसे विकेट नहीं दिया, जहां नॉट आउट था वहां आउट दे दिया, तो उसे देख के सारे इंडियन फैंस यही बोल रहे हैं, ये बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं ये अंपायरिंग अच्छी अंपायरिंग है, लो अंपायरिंग है। भाई कुछ भी बोलो पर अश्विन जडेजा अक्षर पटेल की बॉलिंग को खेलते न्यूजीलैंड वाले भी यही बोल रहे थे, ये भगवान क्या जुलुम है। नितिन मेनन की अंपायरिंग को देख के एक ही सीन याद आ रहा है, बाहुबली कटप्पा। श्रेयस अय्यर इनवाइटिंग अजिंक्य रहाणे फॉर द पार्टी आफ्टर दिस सुपर डेब्यू। कल 9:30 बजे मोदी जी इतने अच्छे दिन भी नहीं लाने थे कि विराट कोहली रहाणे पुजारा इन सबसे ज्यादा रन तो अश्विन ने ही बना दिए, साले कुत्तों की जिंदगी। अय्यर के ऐसे बैक टू बैक गुड इनिंग्स देने के बाद रहाणे और पुजारा के बीच में यही बात हुई होगी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर के ऐसे धुआंधार बल्लेबाजी करते देख रहाणे खुद के करियर को लेके चिंता है और वो श्रेयस अय्यर को यही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे मार डालना चाहता है, मार डाल मुझे। हाँ तो रहाणे भाई, श्रेयस अय्यर के ऐसे परफॉर्मेंस को देख के और आपके करंट फॉर्म को देख के आपका हाल क्या है? अरे माँ चुदी पर ही है। इंडियन फैंस टू रहाणे, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता हमको। इफ रहाणे हैज अ मिलियन हेटर्स, आई एम वन ऑफ देम। इफ रहाणे हैज 5 हेटर्स, आई एम वन ऑफ देम। इफ रहाणे हैज 1 हेटर, दैट वन इज मी। इफ रहाणे हैज 0 हेटर, आई एम नो लॉन्गर अलाइव। आई विल हेट यू रहाणे। भाई देखो कितने भी मीम बने बट इतना तो हेट मत करो यार किसी को। दीक्षा जी जैसे आप रहाणे के गुड टाइम में सेलिब्रेट कर रहे होंगे वैसे अभी इन्हें हेट क्यों कर रहे हो, सपोर्ट कर दो यार थोड़ा इन्हें भी। और कुछ भी हो जाए मतलब थोड़े अच्छे साइड भी देख लो यार रहाणे के, इतना अंधा हेट मत करो किसी को। वी स्टैंड विथ यू रहाणे भाई। 5वें दिन पे एकदम जो एंड में मैच चल रही थी एकदम काटे की टक्कर वाली, तब उस पे न्यूजीलैंड वाले यही बोल रहे थे, ये गन फट गया। रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड को बचा लिया हारने से, तब उस पे सारे इंडियंस का यही रिएक्शन था, बच गया साला। 5वें दिन के लास्ट में जब न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर चुके थे और नितिन मेनन बार बार लाइट मीटर निकाले ही जा रहे थे कि अंधेरा हुआ कि नहीं, तो उस पे सारे इंडियंस उन्हें यही बोल रहे हैं, अंधा क्या
भाई मतलब नितिन मेनन इंडिया के तरफ भी गलत ही डिसीजन दे रहे थे और न्यूजीलैंड के तरफ भी गलत ही डिसीजन दे रहे थे, तब उसपे सारे इंडिया फैंस और न्यूजीलैंड फैंस यही बोल रहे हैं किसी एक का तो हो रहा है, किसी एक का तो हो। अश्विन टू नितिन मेनन, तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। अंपायर नितिन मेनन हर एक डिसीजन गलत ही ले रहे थे, तब उसे देख के सारे लोग उन्हें यही पूछ रहे हैं कि छास पीते हो क्या। पांचवे दिन के एकदम लास्ट में आके न्यूजीलैंड वाले यही बोल रहे थे, लास्ट पांच ओवर एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को तो कुछ ऐसे थे, आप जाओ आप काम करो आप काम करो। भाई वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो, किसी भी प्लेयर को हेट मत करो, उनका हार्ड टाइम चल रहा है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करो।